कॉन्स्टेबल्स का एग्ज़ाम है, जो केसेसबी इसको कंडक्ट कर रही है, ये दिसंबर के माह में स्टार्ट हो जाएगा और 3 फेजेस में ये जो एग्ज़ाम है वो होगा। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में 39 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो स्टाफ है, सुपरवाइजरी स्टाफ हो, इन्विजिलेटर्स हों, उनके साथ ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और बच्चों को, एस्पिरेंट्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए जो सेंटर्स हैं उनमें जॉइंट विजिट्स की गई हैं, उनकी स्पेसेस, अकोमोडेशन, डेस्क, सीटिंग कैपेसिटी, हर चीज़ को जो है माइन्यूटली देखा गया है, और उसके बाद ये एग्ज़ाम सेंटर्स को फाइनलाइज किया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि विंटर्स का टाइम है, तो हमने जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं उनमें से भी चाहते हैं कि लोग जो है विंटर्स के टाइम पे उनको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना, इसके लिए भी पूरे इंतजाम जो है किए जाएंगे। ये आपको मालूम है कि विंटर्स का जो सीज़न है इसमें डिस्ट्रिक्ट में थाना मंडी, द्रहाल, बुद्धल और मंजाकोट, ये वाला जो बेल्ट है इसमें हमारा विंटर्स में चैलेंजेस रहती हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत बार कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती हैं। उसके लिए इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं, मैंने पिछले हफ्ता PHC दरहाल का, सॉरी, सब डिविजनल हॉस्पिटल दरहाल का विज़िट किया था, और परसों ही मैंने थाना मंडी हॉस्पिटल का भी रिव्यू किया है। थाना मंडी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो थी काफ़ी समय से लगभग 90% तैयार थी, इसको पिछले 2 महीने में लगातार रिव्यू करके इसका काम कंप्लीट कर दिया जा चुका है, और ये 1-2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट्स को इस नई बिल्डिंग का बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक बात है डॉक्टर्स की, उसके लिए भी कुछ कड़े एक्शंस लिए गए थे, सो दैट कि हमारी जो डॉक्टर्स की रोस्टर सिस्टम है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो। CMO साहब को भी एक हिदायत दी गई है कि वो भी हॉस्पिटल्स का खुद इंस्पेक्शन करें और चेक करें कि किसी भी तरह का मेडिसिन का प्रॉब्लम ना आए और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू ना आए। कॉलेज सर्जरी की बात है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनके कंट्रोल में रोस्टर एक बनाया जाता है डॉक्टर्स का, जिसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो इंटर्न्स हैं उनका भी रोल रहता है, वो भी ड्यूटीज़ देते हैं। बट जहाँ तक बात हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की है या फिर जो आप कंसल्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आप कोई पर्टिकुलर आपके पास कंप्लेंट आती है कि रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर्स नहीं आ रहे, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, उसके लिए फिर हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो हॉस्पिटल की है उसे पिकअप करेंगे और इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर्स